सो हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि ईजी गो ट्रेन ऐप से हम वेब चेक इन का अप्लाई कैसे करेंगे और बोर्डिंग पास कैसे हम अप्लाई करेंगे अपने मोबाइल फोन से घर बैठे। हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ये ईजी गो ऐप से फ्लाइट टिकट बुक कैसे करें। मैंने आपको एक फ्लाइट टिकट बुक करके दिखाया था, तो आज उसी फ्लाइट का मैं आपको वेब चेक इन करके दिखाऊंगा ईजी गो ऐप से, ठीक है। और बोर्डिंग पास आपको मैं डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, आप हमारे वीडियो को पूरा से पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पे मैं अपना सर्च करता हूँ ईजी गो ट्रेन ऐप, ठीक है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऊपर में ईजी गो ऐप ट्रेन ऐप, इस ऐप को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस ऐप को ओपन होगा। ओपन होगा तो आपको क्या करना है कि आपको इस तरह का ऑप्शन आया फ्लाइट वाले पे, लेकिन यहाँ पे आपको वेब चेक इन अप्लाई करने का आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। बोर्डिंग पास अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है। इसी ऐप से करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो सेटिंग नहीं है, वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक स्टेप बैक जाएंगे, ठीक है। बैक आने के बाद में हम जाएंगे प्रोफाइल, प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में जाएंगे माय बुकिंग में। आपको दिख रहा होगा कस्टमर सर्विस के नीचे माय बुकिंग, तो हम क्लिक करेंगे माय बुकिंग पे क्लिक करेंगे, फ्लाइट पे क्लिक करेंगे, ट्रेन के नीचे फ्लाइट है उस पे क्लिक करेंगे। फ्लाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका टिकट आएगा, जो बुक किए थे वो वाला आपको टिकट आएगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टिकट डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा और आपका बुकिंग पूरा स्टेटस यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। फ्लाइट नंबर, इसमें सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा देखने के लिए। आपको क्लिक करना है यहाँ पे वेब चेक इन पे, ठीक है। आपको इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ पे स्टेटबल नाउ पर क्लिक करके आप यहाँ पे वेब चेक इन के लिए अप्लाई करेंगे और नीचे आपको लिखा है मैनुअल वेब चेक इन, ठीक है। तो आप मैनुअली पर क्लिक करके भी आप यहाँ पे एयरलाइंस के वेबसाइट पर जाकर अपना वेब चेक इन कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे इसी ऐप से, ठीक है। तो हम क्लिक करेंगे ऊपर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है जो शेड्यूल नाउ, तो हम क्लिक कर दिए हैं। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिक्लेरेशन में आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑटोमेटिक रहेगा और आपको यहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस डालना है, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ का एड्रेस डाल देंगे, वहाँ का गाँव का शहर का कोई भी एड्रेस आप डाल देंगे, ठीक है। और नीचे आप उस गांव का कोई भी कहीं का भी पिन को डाल देंगे तो चलेगा, ठीक है। पिन को डालने के बाद में नीचे करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक, आपका नाम ऑटोमेटिक शो करेगा पैसेंजर का, ठीक है। तो हम यहां पर करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप यहां पर पढ़ लेंगे, रीडाइट कर लेंगे। करने के बाद में आपको यहाँ पर टिक लगाना है आई एम नॉट कोविड-19 पॉजिटिव, आपको वहाँ पर टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आपको नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको सभी को टिक लगाने के बाद में सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करेंगे, यहाँ पे लिख चुका है सीट विल बी असाइनेड ऑटोमेटिकली, मतलब कि आपको ऑटोमेटिक सीट मिलेगा, ठीक है। आपने वेब चेक इन का अप्लाई कर दिए हैं, आपको ऑटोमेटिक सीट मिलेगा। आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पे लिख चुका है डिटेल्स सबमिट सक्सेसफुली, आपने 18 तारीख को वेब चेक इन के लिए हम अप्लाई किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज में भी आ चुका है, व्हाट्सअप वाले सेक्शन में आ गया है, ठीक है। तो हमने 18 को टिकट बुक किया था और 18 को ही वेब चेक इन कर दिया था। ये फ्लाइट टिकअप करेगा 20 तारीख को, एक दिन बाद। तो ये ऐसा मत सोचना कि हमने आज बुक किए हैं टिकट, आज ही अप्लाई कर देंगे तो बोर्डिंग पास मिल जाएगा, ऐसा नहीं। बोर्डिंग पास 6 घंटा पहले मिलता है, किसी किसी को 10 घंटा पहले मिलता है, वरना आपको 4 से 6 घंटा पहले आपको बोर्डिंग पास आपके मोबाइल नंबर के व्हाट्सअप पे आएगा और आपके मेल पे आएगा और आपको इस वेबसाइट पे आएगा। आप यहाँ से इस ऐप पर आएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF में या PNG में, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि डाउनलोड कैसे करेंगे इसका बोर्डिंग पास, ठीक है। तो बोर्डिंग पास मेरा 4 घंटा पहले आ गया है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम डाउनलोड कैसे करेंगे और बोर्डिंग पास मेरा कहाँ कहाँ आता है, ठीक है। ईजी गो ऐप से आप कोई भी टिकट बुक करते हो ट्रेन का या फ्लाइट का, तो इसका ये खासियत है कि इसका व्हाट्सअप ऑटोमेटिक आपका नंबर बन जाएगा और वहाँ पर आपको वो टिकट भेज देता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि बोर्डिंग पास हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको व्हाट्सअप पे आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट्सअप पे हम आ गए हैं। यहाँ पे ईजी गो ऐप का ऑटोमेटिक व्हाट्सअप बन चुका है और यहाँ पे आ चुका है कि, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि आपने वेब चेक इन अप्लाई किए हैं, तो आपका अप्लाई सक्सेसफुली हो चुका है, आपका यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे वेट करना है, जब तक वेट करना है कि फ्लाइट टिकअप करने से 6 घंटा पहले या 4 घंटा पहले आपको यहाँ पे बोर्डिंग पास आएगा आपको PDF में और PNG में। तब तक आपको इंतजार करना है, आपको घबराना नहीं है कि मेरा बोर्डिंग पास नहीं आया, हम अप्लाई कर दिए कब आएगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। जिस दिन आपका फ्लाइट होगा उस दिन आपको 4 घंटा पहले आपके व्हाट्सअप पे और मेल पे आपका चला जाएगा बोर्डिंग पास। आपको अब दिखाता हूँ डाउनलोड करके, ये तो मैंने दिखाया आपको, ये तो मैंने आपको दिखाया मैसेज अप्लाई किए वो मैसेज, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डाउनलोड वाला मैसेज कब आएगा। तो अभी हम एक दिन वेट करते हैं और एक दिन के बाद मैं आपको वीडियो को कट करके यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सअप को ओपन किए, ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखिए आ गया है मेरा बोर्डिंग पास। ये रहा बोर्डिंग पास, PNG फाइल में ये बोर्डिंग पास है। यहाँ पे इंडिगो फ्लाइट है, नंबर है, सीट नंबर यहाँ पे 28D है। ये आपका QR कोड स्कैनर है, ठीक है। यहाँ पे आपको PNR नंबर शो कर रहा है, पैसेंजर का नाम शो कर रहा है,
कितने बजे फ्लाइट पर चढ़ेंगे, कितने बजे उतरेंगे, वो दोनों इसमें आपको सारा चीज़ आपको यहाँ मिल रहा है, गेट नंबर, सिक्योर नंबर, यहाँ पर सब कुछ आपको मिल रहा है। आप इसे आप कहीं भी शेयर कर सकते हो किसी के व्हाट्सएप पे, और यहाँ पर से प्रिंट भी करा करके अपने पास में लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो हुआ व्हाट्सएप में, ये आ गया। आप यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करके आप इसे पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे ऐप में, ऐप में जाने के बाद आप वहाँ से पीडीएफ में डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ आपको मेल में लेकर के। यहाँ पर चलते अपडेट वाले सेक्शन में जाएंगे, अपडेट पर क्लिक करेंगे, अपडेट वाले फाइल में। ठीक है, थ्री लाइन पर जाएंगे, अपडेट में जाएंगे, और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, मैसेज आया होगा 11 बजे कुछ करीब में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आप मैसेज को सर्च कर रहा हूँ, मैसेज बहुत सारा मैसेज यहाँ पर आया हुआ है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा मैसेज है। तो ये रहा इंडिगो टू, आपको लिखा हुआ है इन्फो, इन्फो को वाला पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बोर्डिंग पास फोर, ये देख सकते हैं इजी गो ऐप की तरफ से आया है बोर्डिंग पास पीएनजी में, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये रहा नीचे बोर्डिंग पास पीएनजी फाइल है, हम इसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड करके हम इसे कहीं भी देख सकते हैं या किसी को भेज सकते हैं या प्रिंट करवा सकते हैं इस तरीके से बोर्डिंग पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसे हम पीएनजी में रहने देंगे, हम पीडीएफ में डाउनलोड नहीं करेंगे क्योंकि हमें काम चल जाएगा पीएनजी से, तो पीडीएफ डाउनलोड क्यों करेंगे। ठीक है, इसलिए हम पीएनजी को ही सेव रखेंगे, और किसी को अगर मान लीजिए कि हम बुक किए हैं, अब पैसेंजर कोई और है, तो हम उसे व्हाट्सएप पर भेज देंगे, वो वहाँ पर स्कैन करवा लेगा एयरपोर्ट पे। ठीक है, या वो प्रिंट करवा लेगा। इस तरीके से हम बोर्डिंग पास को डाउनलोड और प्रिंट अप्लाई करते हैं गाइस। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो करिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन के पास में जा सके। फ्रेंड्स, तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी खुद से टिकट को बुक कर सके, और खुद से अप्लाई कर सके, और खुद से पैसा बचा सके। ठीक है, अगर आप किसी से टिकट बुक करवाते हो फ्लाइट टिकट, तो वो आपसे 1500 रुपये ज़्यादा ले लेता है। आप खुद से बुक करते हैं इजीगो ऐप से, तो आपको उतना का मुनाफा होगा। ठीक है, आप खुद से टिकट बुक कीजिए और अप्लाई कीजिए, और अपना फ़ायदा में रहिए। ठीक है गाइस, तो करिए वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है गाइस।